नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। टोटल टीवी देख रहे हैं आप, और 2024 के राजनीतिक युद्ध की विसात बिछ चुकी है और इसी के साथ गठबंधन के जोड़ तोड़ यानी कि जहां राजनीतिक माहौल है वहीं राजनीतिक चुनावी की चर्चा भी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ हरियाणा में चुनाव से पहले गठबंधन की सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो चुनाव से पहले गठबंधन पर सियासत जारी है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सोनी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पानीपत स्टूडियो से जुड़ गए हैं। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया ब्यूरो चीफ हैं हमारे पानीपत से, और हिसार से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़ गए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा में चुनाव से पहले जो गठबंधन पर सियासत तेज हुई है, दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल ने सुप्रीमो और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने ऐलान किया कि हमारी पार्टी किसी से भी गठबंधन करने से परहेज नहीं करती है, जिसके लिए चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट होने का आह्वान किया। और इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि इनेलो तो डीएनए कांग्रेस से मेल नहीं खाता है, बीजेपी के साथ खाता है। देखिए किसने क्या कुछ कहा। इससे भी गठबंधन हो सकता है, विपक्ष के सारी पार्टियां इकट्ठा होना चाहती हैं। अब मैंने आपको बताया तो है कि गठबंधन होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हमारा काम केवल एक है कि लोगों के हितों की रक्षा की जाए, इस कुशासन का अंत करें। देखिए, मैं तो एक साफ बात कहता हूँ, जो वो लोकदल के नेता है और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है, उसका जन्म ही कांग्रेस विरोध में होगा। चौटाला साहब बयान दे में, चाहे इन लोग का कोई और न्योता ध्यान दे, हुए लोग दलाले उड़े नहीं जाएंगे मारे का न्यास के। बड़े साहब, जैसे आप बार बार कह रहे हो कि कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं, कांग्रेस अकेले लड़ेगी, आप लगता है आपके कॉम्पिटेटर को गठबंधन की जरूरत पड़ेगी? पहले नहीं लड़ने, आप जैसे कहते हो कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, पहले नहीं लड़ेगा कांग्रेस, आपकी कॉम्पिटेटर को जरूरत पड़ेगी गठबंधन की? कौन कॉम्पिटेटर है? जो सरकार चला रहे है, स्वार्थ का गठबंधन है। गठबंधन किसका? स्वार्थ का गठबंधन है, तो नीतिगत आधार थोड़ा ये गठबंधन का। एक तो कह रहा था पचहत्तर पार करेंगे, दूसरा कह रहा था इनको यमुना पार करो, और स्वार्थ में मन गए दोनों यार। और जब ये सरकार जो हरियाणा बेहाल हो गया, इकट्ठे हो, अलग अलग। ये जिस तरह से बयानबाजियां शुरू हुई हैं गठबंधन को लेकर, वीरेंद्र सोनी जी, सबने अपनी अपनी बातें रख दी हैं, गठबंधन को लेकर सियासत शुरू है, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, ये एक अव्यवहारिक प्रश्न चल रहा है। देखिए, अभी चुनाव में समय पड़ा है और गठबंधन किस आधार पर होगा? देखिए, एक हरियाणा की राजनीति में एक अकाट्य सत्य है कि कोई भी गठबंधन जो है पूरा नहीं चला। गठबंधन ने पूरी सरकार का अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और इस बार भी अब देखने वाली बात है, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन जो कि चुनाव के बाद हुआ था, तो इस सरकार में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं या नहीं, उस तरह की बयानबाजी चल रही है। और आगे आने वाले गठबंधन में कई पेचीदगियां हैं, कई समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई रहती रहती है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, और इस समय पुराने जो चुनाव की बात करना, उस समय गठबंधन की क्या स्थिति थी, गठबंधन ने क्या एक दूसरे को पेशकश की थी, तो ये चर्चा इस समय तथ्यहीन है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि अब हालांकि देखिए, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, तो इस गठबंधन को जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं था। इन्होंने अपने हिसाब से जो गठबंधन किया, क्योंकि उसमें सत्ता की मजबूरी थी, सत्ता का बंटवारा करना था, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन चाहिए था, तो इसलिए इन दोनों का गठबंधन हुआ। और ये गठबंधन न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर नहीं हुआ, उस कार्यक्रम को करने के लिए, तय करने के लिए अनिल विज जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और कमेटी की सिर्फ एकमात्र बैठक हुई, वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति आज तक हुई नहीं। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी को भी विधायकों की जरूरत थी और जननायक जनता पार्टी को लगता था कि अगर उनके विधायकों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली तो वो छिटक जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए हालांकि देखिए, जननायक जनता पार्टी यदि चाहती तो गुण दोष के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती थी, लेकिन उन्हें आशंका थी कि यदि हमने समर्थन देते हुए सरकार में शामिल नहीं हुए तो हमारे ये विधायक जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, जो बागी दूसरे दलों के थे, अगर उनको साथ में शामिल नहीं किया, सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, तो ये भाग जाएंगे। तो इसलिए जननायक जनता पार्टी के लिए उस समय ऐसा लगा, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और इस समय गठबंधन के बारे में चर्चा करना बेमानी है, क्योंकि आगे क्या स्वरूप होगा, सभी दलों में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, तो इसलिए ये एक सब अनावश्यक चर्चा चल रही है इस समय। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र जी, एक तरफ जहां इनेलो
इस समय पर मौजूद स्थिति में जिस तरह का अगर देखा जाए हरियाणा के भीतर तो बेहद कमजोर है, उसके बाद भी अगर बीजेपी उसके लिए अपने द्वार खोलती है और कहती है कि डीएनए तो हमारे साथ मैच हो रहा है, तो फिर ये क्या इशारा समझा जाए? देखिए राणा, दरअसल हर पांचवा साल आखिरी साल जो होता है चुनावों के लिए, वो चुनाव की तैयारियां जैसे एक तरह से अखाड़ा सजता है। लेकिन अब आपको बताऊं राणा, कल क्या हुआ, एक अंग्रेजी अखबार के इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जो जेजेपी को लीड कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, उनका एक बयान आया कि आई कैन नॉट से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। डिप्टी सीएम का कल जो बयान आया एक बड़े अंग्रेजी अखबार में कि मेरे को नहीं पता आगे क्या होगा। और आज की मीडिया की सुर्खियां एक बयान बना हुआ है चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जो निर्दलीय विधायक है रानिया से, लेकिन सरकार में हिस्सेदारी है, उनको ऊर्जा मंत्री बनाया हुआ है। आज उनका बयान आया है कि समय बताएगा कि मैं कहां से और कैसे लड़ूंगा। तो ये जो बयानबाजी हो रही है, कल से जो ये डेवलपमेंट हुई है इस मामले में, और आज ओपी धनखड़ ने बयान दिया है गठबंधन को लेके के इनेलो और कांग्रेस का डीएनए कभी मैच नहीं करता, ना किया है ना करेगा। और आज भूपेंद्र हुड्डा भी पानीपत में थे, उनका ये कहना था कि गठबंधन ने तो ठग बंदर है, तो ठग बंधन है जिस तरीके से गठबंधन के दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की। 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा कहती थी इस बार यमुना पार, बीजेपी हुंकार भरी थी इस बार 75 पार। तो गठबंधन को लेके जो बड़े दल हैं उनके नेता जो है कल से मेरे को लगता है आज बनकर ज्यादा एक तरह से मुखर होकर बोलने लगे हैं। और एक तरीके से गठबंधन, चूंकि जो विपक्षी दल है बीजेपी जेजेपी गठबंधन में है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो विरोधी खेमे में हलचल पैदा करना चाहते हैं खाड़े में उतरने से पहले, क्योंकि वो अगर गठबंधन कमजोर होगा तो उनके लिए संभावनाएं पैदा होती हैं। तो जिस तरीके से गठबंधन को लेके अब एक हॉट इश्यू बन गया, कल से अब तक आज तकरीबन सभी बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत में थे, उन्होंने गठबंधन के बारे में ये कहा है कि जो हो गया सो हो गया। भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया दी उनके बयान पर कि ये ठग बंधन है, गठबंधन नहीं। मनोहर लाल ने पानीपत में ये कहा एक दो घंटा पहले कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। भूपेंद्र हुड्डा को नसीहत दी है कि जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे की चिंता करो, हम भी चिंता करें आप भी करो। तो गठबंधन को लेकर सियासत जो है एकदम गर्मा गई है, और मेरे को लगता है कि गठबंधन जो है राजनीतिक पार्टियों सियासी पार्टियों, चाहे वो गठबंधन है चाहे गठबंधन से बाहर की पार्टियां हैं, एक तरह ये हॉट इश्यू हो गया, और ये मुद्दा मेरे को लगता है अब कई दिन चलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर महेश, अभी बीजेपी का गठबंधन जेजेपी के साथ है, अब ऐसे में अगर वो आमंत्रित करती है या डीएनए की बात करती है इनेलो के साथ, तो फिर एक मयान में दो तलवारें कैसे रखेगी? देखिए, परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन तोड़ देना चाहिए, ये सबसे पहले किसने कहा? आधिकारिक जो बयान सामने आया चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 8.5 साल की सरकार मनोहर लाल को चलाते हुए हो चुकी है। तो ऐसे में अब वक्त आ गया कि अगला चुनाव अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लड़ना चाहिए। शुरुआत चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से की गई, उसके बाद हिसार से बीजेपी सांसद उनके बेटे हैं ब्रजेंद्र सिंह, उनकी तरफ से भी इसी बात पर मोहर लगाने का काम किया गया। वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। दरअसल उनका जो अपना मैथमेटिक्स है वो यहां पर गड़बड़ा जाता है। दरअसल जो उचाना विधानसभा क्षेत्र है उनकी एक हो आप कह सकते हैं कि पारंपरिक सीट है, पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह उस सीट से जीत रहे थे, उसके बाद जो है एमपी और चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता वहां से विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंची थी। अब दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है वो उचाना सीट से जीते हुए हैं। तो ऐसे में गठबंधन को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी के लिए है तो यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के लिए है, प्रेमलता के लिए है, उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए है। और यही वजह है कि सबसे पहली आवाज भारतीय जनता पार्टी में इसी परिवार की तरफ से उठाई गई थी। अब जिक्र ओम प्रकाश चौटाला का कर लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला लगातार ये संकेत दे रहे थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और ऐसे में हमने काफी सारी खबरें सिलसिलेवार ऐसी देखी जिसमें ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस की तरफ डोरे डालते हुए नजर आ रहे थे, लगातार ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के लिए भी तैयार है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो इंडियन नेशनल लोकदल उसके लिए तैयार होगी। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने पूछा तो उन्होंने साफ तौर से बात कही कि 90 सीटों पर अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं, और दो टूक ये कह रहे हैं कि 90 सीटों पर अकेले कांग्रेस
प्रकाश चुनाव लड़ सकती है। जो ऑफर यहां पर ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से मीडिया के जरिए भेजा गया था, उस ऑफर पर किसी भी तरह का पॉजिटिव रिएक्शन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं दिया। लंबे इंतजार के बाद अब जो है यहां पर बोल इंडियन नेशनल लोकदल के बदलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से कांग्रेस पार्टी कहीं और ज्यादा मजबूत स्थिति में ना पहुंच जाए, एक पॉजिटिव एज जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले, इसी कोशिश में यहां पर ओपी धनखड़ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मुसाफिर कह रहे हैं कि अगर डीएनए मैच करता है तो इंडियन नेशनल लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ करता है, कांग्रेस के साथ जाने की ना तो कोई संभावना है और ना ही ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र सोनी जी, अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या यह सीधे तौर पर यूं समझा जाए कि ओपी धनखड़ ने इशारा कर दिया है जेजेपी को कि अगर थोड़ा सा उछल कूद मचाओगे तो फिर दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास? देखिए बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बिल्कुल, देखिए जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन का फैसला जारी रहेगा या नहीं होगा ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। क्षेत्रीय दलों को तो वो अपने स्तर पर उनको स्वतंत्र हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय दल हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उसका केंद्रीय हाईकमान ही फैसला करता है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बड़ी नफे तुले में ये प्रतिक्रिया दी है कि, और वास्तविकता भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो डीएन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अतीत में गठबंधन भी रहा है, कांग्रेस विरोध की राजनीति भी रही है। इसलिए ओम प्रकाश चौटाला जी को उन्होंने कहा है कि ये जो इनेलो का जो डीएन है वो भारतीय जनता पार्टी से मेल खाता है, क्योंकि देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सभी सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी अभी भी समर्पण की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन जननायक जनता पार्टी से हुआ था तो ये चुनाव के बाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाएगी कि वो पहले चुनाव से पहले किसी दल के साथ गठबंधन करने की स्थिति में हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है और इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत लगा रखी है, उसका चाहे संगठन की दृष्टि से हो चाहे सरकार की दृष्टि से हो, जो चुनाव के मोड में पूरी तरह से तंत्र जो है पूरा सक्रिय हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी समर्पण की मुद्रा में दिखाई नहीं देने वाली है, और यदि कोई गठबंधन की स्थिति बनती है, अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो उसके बाद की जो स्थिति होगी उस पर तब वहां की जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार ही वहां गठबंधन का भविष्य तय होगा। बिल्कुल कथुरिया जी, यानी कि इसको अगर एक इस तरह से भी समझा जाए कि आखिर बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है अगर वो इनेलो के साथ आ जाती है, या फिर ये इनेलो को एक इनविटेशन दिया गया है कि उधर नहीं इधर आना है आपको? देखिए राणा जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, कई तरह की चीजें एक्सचेंज होती है। मेरे को लग रहा है जो माहौल जिस तरीके का बना हुआ है, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला का बयान आया, रंजीत चौटाला का, जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा लगातार गठबंधन सरकार पर हमलावर हैं, मेरे को लग रहा है कि शायद जेजेपी बीजेपी के साथ ना जाने चाहे। और जेजेपी जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो दबाव बनाने की कोशिश करें कि उनको पता है कि बीजेपी अकेले चुनाव में जाएगी तो नुकसान उठाएगी। अब बीजेपी के लिए जो नेता है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता अक्सर करते हैं, जब रणनीति चुनावी रणनीति की बात आती है, प्लान ए और प्लान बी पर बीजेपी काम करती है। बीजेपी का प्लान ये है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों पार्टियां कंटिन्यू करें अगले चुनाव में, ये प्लान ए है। लेकिन प्लान बी भी बीजेपी तैयार रखती है कि अगर जेजेपी से साथ छिटक जाते हैं तो हमको आगे क्या करने है। मेरे को इनेलो सूत्रों से ये खबर आया है, राणा मैं आपको बता दूं कि शायद जेजेपी की जगह INLD बीजेपी के साथ मिल जाए, लेकिन ये संभावनाएं तब बननी है कि बीजेपी अलग चुनाव लड़े, जैसे 2019 में बीजेपी अलग लड़ी, जेजेपी 10 सीटें जीत कर आई, मिलकर सरकार बना ली, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस कभी आपस में नहीं मिल सकते जी। कांग्रेस के साथ और लेकिन बीजेपी के साथ लेकिन, लेकिन कथुरिया जी, मेरा सवाल ऐसे में ये बता रहे कि हो सकता है कि चूंकि ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के बड़े खिलाड़ी है, कोई ऐसा दाव चले अभी भी, हालांकि उनकी उम्र बढ़ गई है लेकिन राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक आक्रामकता उनमें अब भी नजर आ रही है ओम प्रकाश चौटाला में, वो कोई ना कोई दाव खेल सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर है, सारे दलों को कह रहे हैं कि बीजेपी को हमको रोकना है, तो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हो सकता है कि कल को अगर जेजेपी बीजेपी अलग हो जाए तो INLD अपने लेवल पर लड़े, चूंकि ओम प्रकाश चौटाला का दिमाग काम करता है, बहुत होशियार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है, और बीजेपी अगर अलग लड़ती है तो मेरे को एक सूत्रों से ये है कि जेजेपी की जगह INLD और बीजेपी साथ मिल सकते हैं, बट पोस्ट पोल ये इनका अलायंस होगा जब सरकार बनाने की बात आएगी। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी इनेलो की कि हम मिलकर सरकार बना सकते हैं, लड़े अलग अलग, क्योंकि इकट्ठा लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, उस स्थिति में मेरे को लगता है
कि इनेलो और बीजेपी अंदर खाते ये फ्रेंडली मैच भी कर सकते हैं कि दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग हुई, जिस सीट पर दोनों पार्टी का कोई कैंडिडेट मजबूत होगा दूसरी पार्टी उसकी मदद करेगी, सीटें निकल कर आएंगी तो दोनों बाद में सरकार बना सकते हैं ठीक उसी तरीके जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी ने सरकार बनाई थी, और बीजेपी और आईएलडी सरकार बना सकते हैं लेकिन पोस्ट पोल अलायंस होगा, इस तरह मेरे सूत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर महेश मेरा सवाल ऐसे में यह है कि एक तरफ अगर ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी के खिलाफ बयान देते हैं, बीजेपी के खिलाफ जनता को और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी निमंत्रण देती है तो फिर बीजेपी को कौन सा लाभ नजर आता है, और वो भी तब जब इनेलो की स्थिति बेहद खराब। देखिए वही बात मैं कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल लोकदल बेहद बेहद खराब स्थिति में इस वक्त है, पूरे हरियाणा प्रदेश में नजर आ रही है। अकेले चुनाव लड़ने की इंटरनेशनल लोकदल नहीं सोच सकती है, अलग अलग चुनाव में परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर सिर्फ एक एलनाबाद सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे हरियाणा प्रदेश में शायद 89 सीटों पर कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर इंटरनेशनल लोकदल का कोई भी कैंडिडेट आज जीत की मंजिल तक पहुंच सकता है। बेहद कमजोर स्थिति में इंटरनेशनल लोकदल पहुंच चुकी है, अकेले इंटरनेशनल लोकदल चुनाव नहीं लड़ सकती है, और यही वजह है कि ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर एंटी इनकमेंसी खड़ी उन्हें नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से हो सकता है कि वो जननायक जनता पार्टी की तरह साझेदार ही सही लेकिन सत्ता के साझेदार वो बन जाए। अगर जिक्र हम भारतीय जनता पार्टी का करें तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जननायक जनता पार्टी को साथ लेकर उन्हें अगले जो चुनाव में उतरना पड़े। हो सकता है कि मेरा अपना आकलन यह है कि लोकसभा तक जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है बना रहे लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है एक तरीके से फ्री हैंड हो चुके हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। जाटों का एक एक वोट यहां पर आकर्षित भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में यहां पर जाट वोट का ध्रुवीकरण कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में नहीं हो, इसी को लेकर यह जरूरी है कि जननायक जनता पार्टी अपने बड़ी संख्या में जाट कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतार दे, इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी संख्या में अपने जाट कैंडिडेट्स को उतार दे। अगर 4-4, 5-5 हजार वोट भी अगर खराब तो कांग्रेस पार्टी की जीत की डगर को बेहद दुश्वार वो कर देंगे। जाट वोटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए और जाट वोटों का बंटवारा करने के लिए जरूरी है कि जननायक जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे और इंडियन नेशनल लोकदल का अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे, कम या ज्यादा वोटों को खराब करे, जाट वोटों का बंटवारा वो करे जिससे भारतीय जनता पार्टी गैर जाट वोट का जो बैंक जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी करती है उस वोट बैंक का पूरा भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। और चूंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो जाएंगे तो ऐसे में अगला एजेंडा क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी किस बूते पर जो है चुनाव मैदान में उतरकर एक बार फिर से वोट मांगने का काम करेगी, हमने देखा है अतीत में जाट और गैर जाट यही सबसे फायदेमंद फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से साबित हुआ है और इस बार भी उसी पर दाव खेला जाएगा। दुष्यंत चौटाला को साथ में लेकर जाट और गैर जाट इलेक्शन नहीं बन सकता, तो यही वजह है मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा तक ये जो गठबंधन है रह सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले उतरेगी और जननायक जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारना जेजेपी को पड़ेगा। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है तो कम या ज्यादा जो भी वोट उन्हें मिले चुनाव मैदान में उनका अपना कैंडिडेट उतरेगा, क्योंकि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ पत्तों को फेंटने का काम कर रही है। किसी भी तरह का गठबंधन ही अगर उन्हें करना होता तो जननायक जनता पार्टी के साथ ही रख सकते थे, फिर दिक्कत क्या है। बिल्कुल, लेकिन सोनी जी मेरा सवाल ऐसे में यह है कि आखिर एक तरफ जहां वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी पर कि भ्रष्ट है, जनता इससे दुखी हो चुकी है, इसको बाहर निकालना है, और दूसरी तरफ बीजेपी इतना पोलाइट होकर अगर बात कर रही है तो इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है, इसके पीछे का गणित क्या हो सकता है। नहीं देखिए, ये एक भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले बिसाखियों के सारे चुनाव लड़ती रही थी, बिसाखियों को छोड़कर अकेला चलो की नीति अपनाई, तो भारतीय जनता पार्टी अकेला चलो की नीति के बाद अब किसी बिसाखियों पर आएगी ऐसा कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। इंडियन नेशनल लोकदल के पर जो है उसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक रुख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को कोई चुनौती नहीं मानती।
इंडियन नेशनल लोकदल, जैसे अभी डॉक्टर महेश जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल कहीं भी पूरे राज्य में कहीं भी सुदृढ़ स्थिति में नहीं है। हालांकि देखिए अभी चौटाला पदयात्रा कर रहे हैं और अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल विकल्प की स्थिति में हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है। और हाँ, ये बात इतनी अवश्य भूमिका में रहने वाली है, चाहे जननायक जनता पार्टी हो या इनेलो हो, यदि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से इन दलों का महत्व रहेगा। छोटे दलों का महत्व रहता ही है और ये कोई जो निर्दलीय विधायक चुनाव जीत कर आते हैं तो उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है, बाकी जननायक जनता पार्टी हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, उनकी स्थिति जो है इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली नहीं है। बिल्कुल कथूरिया जी, जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला ने तो कहा कि समान विचारधारा वाले एक साथ आए, तो ये समान विचारधारा का जिक्र बीजेपी के लिए तो था नहीं, और कांग्रेस के लिए किस तरह से हो सकता है ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुर्विरोधी होकर भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए राणा जी, मैं आपको बताऊं, 2005 तक हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, जब एनडीए का गठबंधन था, एनडीए में ओम प्रकाश चौटाला हिस्सा थे। चौधरी बंसीलाल की सरकार 1999 में गिरी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जी सरकार थी, उसके बाद क्या हुआ, 2005 तक विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। मेरे को याद है 2004 की बात करें, 2005 की चूंकि चुनाव आने वाले थे, ओम प्रकाश चौटाला अक्सर कहा करते कि क्योंकि उनका एनडीए का एक घटक था, बीजेपी के साथ है, एनडीए का हिस्सा थी इंडियन नेशनल लोकदल जब सरकार थी हरियाणा में 2005 तक, 2005 के बाद भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस की सरकार आई। ओम प्रकाश चौटाला अक्सर कहते थे कि कांग्रेस दो मुआ सांप है जो दोनों तरफ से काटता है, ये ओम प्रकाश चौटाला की टिप्पणी होती थी जब वो बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, तो कांग्रेस को दो मुआ सांप कहते थे जो दोनों तरफ से काटता है। अब वो स्थिति बदल गई है, राजनीतिक परिस्थितियां समीकरण बदले हैं, अब ओम प्रकाश चौटाला का एक ध्येय है कि किसी तरीके से बीजेपी को रोका जाए, वो कांग्रेस के साथ आना चाह रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं और अपने लिए क्या बिल्कुल लेकिन कथूरिया जी कांग्रेस मूड में नहीं लग रही है, इसी पर चल रहे हैं, क्योंकि वो ये इस तरह का बयान देकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि सारे इकट्ठे हो जाओ बीजेपी के खिलाफ, ताकि किसी तरीके से बीजेपी से अंदर खाती कोई बात हो तो कोई सूरत निकल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला इस तरह का बयान देकर के बीजेपी के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाओ, कांग्रेस के साथ मैं आता हूं लेकिन हमने बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी पर एक तरह से हालांकि उतनी ताकत नहीं है आईएलडी में, लेकिन बीजेपी को एक परेशानी में डालने वाली बात देकर बीजेपी को सबसे बड़ा अपना राजनीतिक विरोधी बता रहे हैं। यही ओम प्रकाश चौटाला जो कांग्रेस को कहा करते थे कि दो मुआ सांप है, आज बीजेपी के लिए वही भाषा वही मतलब शैली वो दिखाई दे रही है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन सीधे तौर पर यूं तो हो ही सकता है, तो माना जा सकता है कि इनेलो को तो बैशाखी चाहिए, लेकिन लेकिन कांग्रेस मूड में लग नहीं रही है, जिस तरह से अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया, उन्होंने कहा हम तो अकेले लड़ेंगे। कथूरिया जी, जी बिल्कुल हाँ, जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया, मैं आपको बताता हूं, भूपेंद्र हुड्डा बहुत कमतर आकर इंडियन नेशनल लोकदल को आज भी पानीपत आए हुए थे, मेरी उनसे बात हुई, उनका यह कहना है कि हम अकेले, उनसे सवाल किया गया था कि लोकसभा के साथ है विधानसभा चुनाव हो जाए तो क्या कांग्रेस तैयार है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा अकेले हर वक्त तैयार है, मुख्यमंत्री की मर्जी है वो लोकसभा के साथ करवा ले या बाद में करवाए, कांग्रेस अपने तौर पर तैयार है और अकेले चुनाव लड़ेगी, आज जोर देकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, शायद उनको संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि देखिए 10 साल जो होते हैं, 10 साल में 2-3 फैक्टर पर ध्यान देना राणा जरूरी है, एक तो ये होता है कि जो बदलाव की एक 10-15% लोगों का जो वोटर्स होते हैं बदलाव के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अगर किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है तो मर्सिडीज गाड़ी सबसे महंगी गाड़ी है, लेकिन 5-6 साल के बाद मन उतर जाता है कि नहीं यार इसको बदलो, बदलाव का जो स्वभाव होता है आदमी का, तो एक तो बदलाव वाली बात, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, तीसरा गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनी थी, परिस्थितियां उस तरह के आत्मीय संबंध नहीं दिखते जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं डेंट बीजेपी को पड़ता हुआ लग रहा है, उसके बावजूद बीजेपी रिस्क लेने को तैयार है कि जरूरत पड़ी तो हम अकेले भी लड़ेंगे, तो ये सब राजनीतिक परिस्थितियों की बात है। बिल्कुल डॉक्टर महेश, परिवर्तन यात्रा इनेलो निकाल रही है, लगता है कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलेगी इनेलो को इससे? देखिए मुझे लगता है कि राख में फूंक मारने की कोशिश यहां पर की जा रही है, किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसी किसी यात्रा से नहीं मिल रही है, ऐसी किसी रैली से नहीं मिल रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि
ओम प्रकाश चौटाला का जिस तरीके से जिक्र मेरे सहयोगी देवेंद्र कथूरिया कर रहे थे, हमेशा से कांग्रेस पार्टी की मुखालफत, हमेशा से एक तरीके से जंग के मूड में ओम प्रकाश चौटाला को हमने देखा है। और आखिरकार वो दिन भी आया जब ओम प्रकाश चौटाला ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए भी तैयार है। लंबा इंतजार उन्होंने किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी तरह का पॉजिटिव सिग्नल उन्हें दें और बातचीत का जो रास्ता है वो खुल जाए। लेकिन मैं दो टूक ये बात कह सकता हूं कि पहली बार हरियाणा में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जाट वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ होने की जो संभावनाएं हाल फिलहाल नजर आ रही हैं। सत्ता में भागीदार होने की वजह से जननायक जनता पार्टी, चूंकि लगातार हम शुरुआत से बात कहते रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है जेजेपी के वोटर ने दुष्यंत चौटाला को वोट दिया था और बाद में दोनों एक हो गए, यही वजह है कि सरकार के साथ दुष्यंत चौटाला के जाने की वजह से जेजेपी का जो अपना डीएनए वाला वोटर था वो कहीं ना कहीं वहां से दूर हुआ। अब पहली बार यह परिस्थिति नजर आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह लगता है कि हरियाणा में हमेशा से जाट वोटों का बंटवारा होता रहा, रोहतक से आगे का जो इलाका था, महम से आगे का जो इलाका था दिल्ली तक, वो भूपेंद्र गुड्डा के प्रभाव में रहा। और महम से इस तरफ जिक्र करें हांसी का, जिक्र करें हिसार का, जिक्र करें फतेहाबाद का, जिक्र करें जींद का, जिक्र करें सिरसा का, तो ये जो पूरा इलाका है यहां का जो जाट है सीधे सीधे ओम प्रकाश चौटाला की तरफ आकर्षित होता हुआ नजर आता था। बदली हुई परिस्थितियों में हुड्डा को अब यह लगता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश का एक एक जाट वोटर उनके समर्थन में इस बार वोट कर सकता है, तो ऐसे में अब किसी भी परिस्थिति में वो ओम प्रकाश चौटाला या उनके इंडियन नेशनल लोकदल को ऑक्सीजन देने की गलती नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि इतने सारे ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ भेजे गए हैं, लेकिन ऐसे ऑफर्स पर कोई भी रिएक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि इलाहाबाद में खुद अपनी सीट पर अभय सिंह चौटाला घिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला या उनके इंडियन नेशनल लोकदल को गठबंधन में साझेदार बनाकर ऑक्सीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। और ये भविष्य के लिए भी, ओम प्रकाश चौटाला अगर राजनीति में पूरी तरह हाशिए पर चले जाते हैं, इलाहाबाद की सीट भी अगर इंडियन नेशनल लोकदल खो देती है, तो ऐसे में सीधे सीधे फिर एक क्षत्रप के रूप में जाट वोटर्स के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहचाने जाएं, उसके बाद हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा के लिए जाट वोटर्स का ये बड़ा वोट बैंक फायदेमंद साबित हो सकता है। तो उन्हें लगता है कि ये सही मौका है ओम प्रकाश चौटाला के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन दिखाने की, किसी भी तरह का एक नजदीकी दिखाने की, उन्हें साथ लेने की कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर यूं कहा जा सकता है कि गठबंधन पर जो सियासत हरियाणा में चल रही है, ऐसे में ऑफर तो ओम प्रकाश चौटाला दे रहे हैं सभी पार्टियों को, लेकिन कोई भी उस पर रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसी के साथ अगर बीजेपी उसमें थोड़ा सा पोलाइट हो जाती है तो क्या उसे इशारा जेजेपी के लिए समझा जाए या फिर उसके मायने कुछ और निकाले जाए। आप सभी का शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका भी, डॉक्टर महेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर बीजेपी इतनी पोलाइट क्यों है? क्या सच में जेजेपी को यह इशारा था कि आप संभल जाइए, हमारे पास दूसरा विकल्प भी हो सकता है, या फिर इसके राजनीतिक मायने अलग निकलेंगे? लेकिन जिस तरह से अभी तक देखा गया, एकला चलो की राह पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि अकेले पहले भी चुनाव लड़े, अभी भी जेजेपी किस तरह से चुनाव लड़ेगी गठबंधन में या बीजेपी के साथ, यह भी देखना होगा। और साथ ही INLT यानी कि इनेलो को बैसाखी की जरूरत है, यह भी साफ हो चुका है। इस कार्यक्रम में फिलहाल